वाओ, क्या लग रही है। चलो मैं पीछे जा रहा हूँ। तो गाइस पलक चलाने वाली है। बेटे बेटे मौज कर दी। What's up guys, welcome to my new vlog. आज है सैटरडे एंड बाहर का मौसम ना बहुत ही बढ़िया हो रहा है। हल्की फुल्की ठंड हो रही है एंड धूप निकली हुई इतनी प्यारी। एंड इतना टाइम हो गया हमें धूप सेके हुए, जब से ठंड आई है ना बिल्कुल हम धूप में निकल ही नहीं पाए हैं। तो इसलिए लग रहा है कि चलो यार आज बाहर चलते हैं, धूप सेकते हैं। इसलिए मैंने आज पलक को बोला कि चलो आज चले हैं एक पिकनिक डेट के लिए। बाहर जाएंगे, पार्क में चद्दर वद्दर बिछाएंगे एंड अपना खाना खाएंगे घर का बना हुआ। तो पलक को बोल दिया मैंने तैयार हो जाए फटाफट से एंड मैं भी बस तैयार होने वाला हूँ। उसके बाद खाना वाना पैक करने वाला हूँ जो हमने घर पे बनाया है। बहुत ही बढ़िया खाना बनाया घर पे, वेज बिरयानी जिसको आप पुलाव भी बोल सकते हैं एंड मैं खुद भी पुलाव बोलता हूँ। एंड साथ में फ्रूट्स वगैरह भी ले जाएंगे क्योंकि पिकनिक है भाई, एंजॉय करना है। पूरा चद्दर जाके मस्त खाना वाना खाने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम अपनी बाइक राइड पे निकलने वाले हैं। पलक मस्त अपनी बाइकर जैकेट पहन के नया हेलमेट लेके चलने वाली है, बहुत ही सही लगने वाली है। आपको थोड़ी देर में जैसा कैसी लग रही है एंड हम दोनों कैसे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो दोस्तों चलते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होती है एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों। तो लेट्स गो। एक बड़ा डिसीजन ये कि भाई कपड़े कौन से पहनने चाहिए। एक तो बाइक पे जा रहे हैं ना तो बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं, उसमें से भी चूज करने में मुझे इतनी मुश्किल होती है ना। चलो फटाफट से कुछ भी ले लेते हैं, इसको प्रेस वेस कर लेते हैं, तैयार रहते हैं फटाफट से क्योंकि अब हो रहा है लेट। तो गाइस मैं हो गया हूं तैयार। चलो अब चलते हैं बाइक को टच कर लेते हैं ताकि उसके बाद पलक को हम बिठा सके, बाइक राइड पे ले जा सके। लेट्स गो। अरे यार लेकिन मैं खाना वाना पैक करना तो भूल ही गया, चलो वो जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस ये हो गई है हमारी बाइक पूरी तरह से तैयार, बस अब है मैडम का इंतजार। चलो बुला लेते हैं। वाओ, क्या लग रही है, क्या मस्त लग रही है बेबी, आप तो बहुत ही सही लग रहे हो। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही। वो आयरन मैन वाला हेलमेट बंद करना एक बार। क्या सही लग रहा है, हेलो, बहुत सही लग रहा है, सही दिख रहा है, साफ दिख रहा है आपको। खोलूं। क्या मस्त हेलमेट है यार। क्या बोल रहे थे आप। बाइक साफ नहीं है। सॉरी मैम, बाइक साफ नहीं कर पाए सही से, हम लेट हो रहे थे थोड़े। अभी कपड़ा मारो क्या, आप चला रहे हो, थोड़ी देर मैं चला लूँ उसके बाद चला लेना आप। प्लीज़ प्लीज़ पीछे पीछे बैठूं, लेकिन चलो मैं पीछे जा रहा हूँ। तो गाइस पलक चलाने वाली है। चल के आओ पीछे। कहाँ चल के आऊँ मैं, बाइक के पीछे। एक काम करता हूँ, मैं बांध दो मेरे को बाइक के पीछे, ठीक है, मैं ऐसे करके बंद जाता हूँ। ऑन है क्या। नहीं अभी तो नहीं है। हटो, मैं हटूँ पीछे की सीट से भी हट जाऊँ। हाँ। बैठ जाओ चलो। पीछे से ले आना प्लीज। ठीक है मैडम, चलें चलें। तो ठीक है चलो, तैयार हो फिर। ग्लव्स हैं आपके। अरे यार ग्लव्स तो मैं भूल ही गया, क्या लेके आऊँ क्या फटाफट से जाके। वाओ, आप भूले नहीं, थैंक यू सो मच बेब, आप जो तो मेरा क्या होता। कह देखो पलक ग्लव्स भी ले आई हमारे लिए, तो अच्छा ही है हम भूल गए अपने ग्लव्स। तो चलो अब चलते हैं राइड पे, लेट्स गो। रास्ता पता है आपको वैसे, मेरे को भी नहीं पता रास्ता, पूछते पाछते चल लेंगे फिर। और क्या, मेरा फ़ोन ले लो, नेविगेट कर देना। मतलब मैं फ़ोन पकड़ना ही नहीं चाह रही हूँ, मैं तो अपने फ़ोन पे ना कर रही हूँ। नेविगेट कैसे करेंगे फिर, एक बार याद कर लेता हूँ रास्ता। सही है, इससे देखने की कोशिश करता हूँ।
कहाँ क्लिक कर दो इस पर, करंट ट्रिप पे क्लिक करो ना यार। ठीक है दो मुझे, आप ये पकड़ लो वैसे ना, अपने पास रख लो फ़ोन। चलो चलो गाइस चलते हैं सारी चीज़ें फिगर आउट के लिए। रास्ता हमने निकाल लिया, ये रही हमारी नेविगेशन हमारे हाथ में, क्योंकि हम फ़ोन तो लगा नहीं सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर द राइड। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। पीछे पलक बैठी अपना मस्त बाइकर आयरन मैन वाला हेलमेट पहन के, एंड हम अभी ज़्यादा तेज़ तो नहीं चला रहे हैं। जब हम तेज़ चलाएंगे तो उसको थोड़ा चिपक के बैठना पड़ेगा, क्योंकि गिरने का थोड़ा डर होता है। वैसे ही आपको पता है स्पोर्ट्स बाइक पे जो पिलियन सीट होती है वो फर्स्ट फ्लोर पे होती है, जबकि जो राइडर होता है वो ग्राउंड फ्लोर पे बैठा होता है। तो भाई फर्स्ट फ्लोर से तो उछल के गिरना और मुश्किल हो जाता है, और आसान भी होता है मतलब, और मुश्किल है और ख़तरनाक हो जाता है। एंड हमने रास्ता वास्ता देख लिया है, हमारी डेस्टिनेशन है सुंदर नर्सरी, जो कि है साउथ दिल्ली में। तो हम नोएडा से साउथ दिल्ली जा रहे हैं। टोटल राइडिंग डिस्टेंस है अराउंड 12-15 किलोमीटर, और हमें टाइम लगने वाला है 30 से 35 मिनट ऑन अ बिजी रोड। यूजुअली यार 11 किलोमीटर हम सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं, अगर एक खाली रोड मिल जाए तो। अभी भी वैसा पक्का नहीं है, क्योंकि हीरो होंडा की थी जो सीबी बाइक आती थी। ओ उछल गए क्या? अभी स्पीड ब्रेकर टाइप आ गया, पलक उछल गई काफ़ी। ये लुक तो बड़ी बिल्कुल KTM वाली है इस बाइक की, और है होंडा की। ये एक्सप्रेस वे भगाने में आता है मज़ा, DND फ्लाईवे। यहाँ तो लिटरली फ्लाइट हो ही जाती है अपनी, तो काफ़ी अच्छी भागती है बाइक इस टाइम पे ना। फ्रेंड पलक अभी पीछे बैठी हुई है झुक के बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है हम झुक के चला रहे हैं, मतलब हम स्पीड पकड़ने वाले हैं फुल। एंड राइट वाली लेन में सबसे अच्छी स्पीड पकड़ी जाती है, यहाँ पे फ्लाईवे है भी काफ़ी अच्छा। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ना मर्जिंग ट्रैफिक आ जाता है, या फिर लोग खुद स्पीड पकड़ने के लिए फास्ट लेन पकड़ लेते हैं, तब थोड़ा बाइक खोने का ना रिस्क हो जाता है। स्प्लेंडर के ऊपर डेड बॉडी लेके जा रहा है, कितनी स्पीड से वो भी, और डेड बॉडी बिल्कुल अकड़ी हुई है शायद, इसलिए इजीली ले जा रहा है। यहाँ से राइड नहीं है क्या? यहाँ से राइड नहीं है क्या? यही राइड है ना, मैं भी तो यही बोल रहा था। बाइक चलाते टाइम कोई बीटी नहीं हो रही, बट जब रुके हुए हो आप तो भाई पसीना पसीना, और हसीना को भी आ रहा है पसीना। ओ भाई पागल आदमी, बिल्कुल घटिया आदमी होते हैं ऐसे, जो बिल्कुल ऑनकमिंग ट्रैफिक के बीच में आ जाते हैं। पीछे भाई कोई भी एक्सीडेंट होता है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, पीछे को ब्रेक लगानी पड़ेगी, और उसके बाद पीछे कुछ भी हो सकता है ऐसे स्नेक इफेक्ट से। बस पलक को ये ध्यान से पकड़ना चाहिए मेरे को अच्छे से, क्योंकि हम कभी भी ना स्पीड पकड़ लेते हैं जब हमारा मन करता है, जब हमें मौका मिलता है ट्रैफिक के बीच में से, जैसे कि अभी हम पकड़ने वाले हैं स्पीड। ये भाई हमें मौका नहीं दे रहा था सियाज वाले को, क्योंकि उसको खुद को भी निकलना था, लेकिन हम निकल गए उसके आगे से। मुझे ना कितनी गंदी लग रही है गाड़ी, कितनी गंदी नहीं लग रही है? 25 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार है, i20 है लिटरली, हाँ ग्लोरीफाइड i20 है। बेचारा उदास होगा बड़ा ये बाइक लेके, स्पेस ही नहीं है अंदर बैठने की भी, देख रहे हो कितनी क्रैम्ड है, काफी क्रैम्ड है क्विड टाइप। क्या हुआ अचानक से स्पीड बढ़ा ली? मैं यही कह रहा था कि हम अचानक से स्पीड बढ़ा लेंगे और फिर उसको परेशानी हो जाएगी। वो देखो हुमायूं टूम्ब हम पहुंचने वाले हैं, इसका मतलब क्या हो गया भाई? 40 आ रही है तेरे को बहुत तेज, हमें फोर्थ एग्जिट लेना है। अच्छा अभी गोल चक्कर आने वाला है, मतलब 800 मीटर में। क्या मेरे ख्याल ये नहीं था रास्ता, यहाँ से जाना था। देखो यहाँ तक याद आ रहा है ना, पहले गया था मैं जब,
गाड़ी में भी रुके हैं, पर ज़्यादातर टाइम तो हमने भाई कर क्या रहा है ये, ज़्यादातर टाइम तो हमने स्पेंड किया है उसी के अंदर। यही है अब गोल चक्कर, पहली एग्जिट, दूसरी एग्जिट, चौथी एग्जिट हुआ था यार उसने। देखना एक बार रास्ता, मेरे ख्याल से एक बार एग्जिट आगे जाना है। गोल चक्कर में ही बड़ी गड़बड़ होती है, आप एक भी गलत एग्जिट ले लोगे ना आप अलग ही डायमीटर पे निकल जाते हो उससे। यहाँ पे कितनी सारी जगहें हैं, गुरुद्वारा दमदमा साहब भी इसी तरफ है। क्या चीज पहुंच गए, यही पार्किंग करनी है शायद, है ना? देखो अभी लग तो नहीं रही है, लगी तो नहीं है। देखो किसी तरह चढ़ा ली हमने, उतरने की जरूरत नहीं पड़ती इन बाइकों में, इसमें उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में चढ़ जाएगी जहां मर्जी। कैसे कैसे गिर जाओगे, हम गिरने नहीं देंगे। भाई तुम पहुंच चुके हैं सुंदर नर्सरी है, फटाफट से अपना सामान पैक करते हैं और अंदर चलते हैं और आपसे अंदर मुलाकात होगी। अब तो गाइस हम आ चुके हैं सुंदर नर्सरी पार्क में एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, जैसे कि हम देख रहे हैं हमने बहुत अच्छा एक स्पॉट ले लिया है अपनी पिकनिक के लिए, हमने खाना भी खोल लिया है, हमारे पास ड्रिंक्स भी हैं एंड काफ़ी अच्छी जगह है। बस एक चीज़ हो गई मेरे से, मैं खाना गर्म करना भूल गया एंड इसलिए पलक मेरे से थोड़ी नाराज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह भी चल रहा है, वहाँ पे उस तरफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है एंड गाने वाने बज रहे हैं एंड फॉर सम रीज़न आज बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं पार्क के अंदर एंड हर जगह बच्चे ही बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं एंड लाइन में आगे चल रहे हैं, जैसे कि मैम बोलती हैं कि बेटा लाइन में ही चलना है आपको, हमेशा एक के पीछे एक हाथ रख के लाइन में चल रहे हैं बच्चे, तो काफ़ी क्यूट लग रहा है। यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम अपने फ़ोन को ही यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा कैमरा जब्त ना हो जाए। तो चलो अब खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है एंड उसके बाद थोड़ा सा चिल करके फिर निकलेंगे वापस से बाइक राइड पे। ले ली फोटो, बहुत गंदी फोटो है। अच्छी फोटो आई है मेरे ख्याल से, तो गंदी कोई गंदी नहीं आई। खाना यार और ठंडा हो रहा है। ये खाना काफ़ी कम लग रहा है एंड इसलिए हम देख रहे हैं कि जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं एंड वो थोड़ी देर में आ भी जाएगा तो हमारा खाना खत्म होएगा, तो सोचे बर्गर्स ऑर्डर कर लेते हैं। कहाँ से बर्गर कर रहे हो आप? लुई बर्गर। लुई बर्गर से, बहुत बढ़िया बर्गर्स होते हैं इसके। आपका ऑर्डर आ गया मैम, टिप। गाइस हमारा खाना आ गया लुई बर्गर से, हमने दो बढ़िया बढ़िया बर्गर ऑर्डर किए हैं, पीछे हम संगीत सुनते हुए मस्त खाना खाने वाले हैं। आपको पसंद नहीं आ रहा क्या संगीत? गजलें पसंद नहीं है क्या आपको? पर बर्गर बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे वाले बर्गर ऑर्डर किए हैं, बेस्ट वाले। खोलना एक बार ये, ओ माय गॉड कितना मैसिव बर्गर है, हम ऑलरेडी बिरयानी खा चुके हैं वेज। अब हम ये खा रहे हैं,
कितना मैसिव बर्गर है यार, ये कितना ज्यादा मैसिव है। देखो मैं इतनी बड़ी वाइट लेने आ रहा हूँ इसकी। अब गाइस हम खाना वाना खा चुके हैं एंड काफी देर से बैठे हैं यहाँ पे चिल कर रहे हैं एंड अब सनसेट हो चुका है, तो अब टाइम है यहाँ से रैप अप करने का, सारा सामान कूड़ा कूड़े में डालने का एंड उसके बाद घर जाने का। तो लेट्स गो गेट टू आवर बाइक। तो गाइस अब हम हो गए हैं तैयार वापस से गियर अप के लिए, बस हमें वो ग्लव्स पहनने हैं जो कि पलक के बाग में है एंड उसके बाद आयरन मैन बन के निकल चलेंगे हम। आयरन मैन दिखाना ऐसे करना, यो 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 करो, यो नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं नहीं सॉरी सॉरी। बस अब ग्लव्स पहन के निकलते हैं एंड काफ़ी भीड़ हो गई है, सारे लोग इसी टाइम निकल रहे हैं। वैसे आज ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पिकनिक डेट थी हमारी, पलक को भी होपफुली मज़ा आया हो, अभी इससे पूछेंगे कि उसको कैसा लगा एंड अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो क्या है ताकि हम नेक्स्ट बार ध्यान रखें, अगली बार ऐसे कुछ गलतियाँ वलतियाँ ना करें, जैसे कि आज हम खाना गर्म करना भूल गए थे ना, बेचारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा खाना, बोल रही थी कि मेरे को नहीं अच्छा लगा, वैसे ही मैं ठंडा खाना नहीं खाती, घर को तो फ़र्क पड़ता नहीं है बिल्कुल, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, ठंडा खाना हो बिल्कुल फिट से निकला खाना हो, मैं तो कुछ भी चलता है मेरे को, तो इसलिए मैं भूल ही गया। तो गाइस अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं वापस घर, आ जाओ उधर जाओ चलो। कैसी रही था आपकी बाइक राइड? बढ़िया रही। गाड़ी आ रही है, सॉरी। मजा आया आपको? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं रही? नहीं। आप घर जा रहे हो क्या? हाँ। बाय बे। बाय, ध्यान रखना अपना, आ जाओ बाय। आ आ आ आ ओ देखा कर्मा। आ चलो ठीक है फिर, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, बाय कर दो सबको, बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के लिए बस इतना ही एंड सी यू ऑल टुमारो, बाय।